अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चैनल। और आज डे 7 है हमारे ट्रिप का, और जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा कि हम पहुंच चुके हैं मस्तूज, और आज हमारा सफ़र है मस्तूज से गिलगित तक का, जो कि हसाफ रोड है। नाश्ता सर्व हो चुका है जी, और ये कोई सर ने कुछ स्पेशल किस्म की चीज़ बनाई है, और ये चपाती हैं स्पेशल। और अभी हम शुरू करते हैं जी नाश्ते को। ये अमीर खान साहब हैं, अमीर खान परवाना साहब, इनके यहाँ हमने क्याम किया, और दो तीन दिन पहले हमने इधर ब्रेकफास्ट भी किया था। तो बहुत ही शानदार पर्सनालिटी हैं, बड़े कोऑपरेटिव, और सबसे बड़ी बात ईमानदार। और जब भी आप मस्तूज आएँ तो मस्तूज इनके पास आप लाजमी रुके। बहुत सादा सा सेटअप है और बड़े अच्छे माकूल रेट हैं इनके, और ये इनकी फैसिलिटी है सारी जो मेरे पीछे नज़र आ रही है। और बाबर गेस्ट हाउस के नाम से है, बाबर होटल एंड रेस्टोरेंट, सॉरी बाबर होटल एंड रेस्टोरेंट के नाम से ये जगह है मस्तूज में। जैसे ही आप एंटर हो बाज़ार में तो ये पहले आएगी आपके। मस्तूज में हमें खासा टाइम हो गया, आज 10 से ऊपर टाइम हो गया। उसकी वजह यह है कि कुछ बाइक्स की प्रॉब्लम थी, और शमस का अगला टायर भी जो आप दे गया था तो उसने भी टायर चेंज करवा लिया, और ये एसन ने भी अपनी बाइक का टायर चेंज करवा लिया। रास्ते से परेशान होने से बेहतर है कि ये टायर मिल गया था इधर से, तो ये हमें ये टायर मिला तो ये हमने डलवा लिए, और ये भाई अभी फिट कर रहे हैं टायर। ये शंदूर हम इस जानब जाएंगे, और मस्तूज में आज हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं, बहुत ज़्यादा। 12 बजे हम निकले हैं आज इधर से, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स इस तरह की थी कि जिनके साथ हम चल नहीं थे सकते, जो हमने कल फेस किए, यानी टायर्स वगैरह जो बाइक्स के ख़राब थे, तो टायर्स वगैरह चेंज करवाए हैं, बाइक्स की मेंटेनेंस वगैरह छोटी मोटी करवाई हैं। तो खैर अभी हमने 12 बजे अपने सफ़र का स्टार्ट किया, तो गिलगित जो आज हमारा टारगेट है वो लेट ही पहुँचेंगे हम। अब मस्तूज का शंदूर से फासला वो है तकरीबन 41 किलोमीटर्स, तो रोड आपके सामने है, कंडीशन आपके सामने है किस तरह की कंडीशन है, लेकिन ये है कि हम 30-40 हम मेंटेन कर रहे हैं। 35-40 हमारी, हाँ। तो लेकिन ये है कि चढ़ाई वगैरह आती है, पत्थर कहीं ज़्यादा हो जाता है तो फिर थोड़ी बाइक स्लो हो जाती है, और कभी रोड जब सीधा होता है थोड़ा सा तो फिर 40 तक भी चली जाती है। तो खैर अगर यही सब हमारी यही स्पीड रही तो इंशाल्लाह 1.5 घंटे में हम पहुंच जाएंगे शंदूर इंशाल्लाह। शंदूर जाते हुए भी लैंडस्केप बड़े मज़े का मिलता है, वो सामने देखे वो ट्रैक जा रहा है, और खूबसूरत दरिया साथ जा रहा है, और लैंडस्केप इधर का भी बड़ा मज़े का। ये मैं अभी उस रोड पे हूँ जो मैंने अभी आपको दिखाया पहले, जो सामने गुजरता हुआ रोड जा रहा था, और ये सारी साइड वो पथरीली साइड है, पत्थर हैं बारीक बारीक सारे। ये सामने एक बड़ा खूबसूरत किस्म का टाउन आया, और अभी आगे जा के देखते हैं कि ये कौन सा टाउन है। ये जनाब अभी गांव एक छोटा सा है हरचिन, जो आपको ऊपर से गांव का व्यू दिखा रहे थे, ये वो वाला गांव है, और खूबसूरत गांव है। लासपुर की जो अपना एरिया है ये उसमें आता है, लासपुर मेरे ख्याल में तहसील है, हाँ, क्योंकि ये हरचिन लासपुर लिखा हुआ है इधर। जो सारा व्यू आपको नज़र आ रहा है पीछे वो राइट साइड पे मेरे, ये सारा जो अभी हम क्रॉस कर गए हैं हरचिन, ये उस गांव का व्यू है, और बहुत खूबसूरत गांव है, बड़ा पीसफुल गांव है। एरियल व्यू तो बहुत खूबसूरत है, ये बिल्कुल सामने मेरे राइट साइड पे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, ये वाला कमाल का व्यू है, कमाल का गाँव है। और अभी इन्होंने गंदम की कटाई कर ली है, इस एरिया में गंदम की कटाई का ये वो मौसम है, यानी
सितंबर के स्टार्ट में ये लोग गंदम की कटाई करते हैं, तो गंदम की कटाई हो चुकी है। अगर गंदम थोड़ी सी थोड़ा पहले होता ना, तो गंदम अगर पूरी होती तो ये पूरी गोल्डन कलर की होनी थी सारी, ये अंदर से कटने के बाद अभी भी खूबसूरत है, लेकिन तब ज़्यादा वाइब्रेंट कलर होने थे। खैर सुभान अल्लाह। ये सारा एरिया जो आपने अभी देखा ये कहलाता है सुरलासपुर। बहुत खूबसूरत जगह है और इसका लैंडस्केप भी बहुत कमाल का है, अंदर गोल्डन और साथ ग्रीन और कमाल की जगह है, खूबसूरत व्यू जैसा कि आपने देखा। लासपुर जो पुलिस चेक पोस्ट आती है उसको क्रॉस करने के बाद जनाब ये इंजॉय किए जा रहे हैं सेब, और वो एसन भी फुल इंजॉय कर रहा है सेब को और मैं भी बस ये खाने लगा हूँ सेब, बड़ा टेस्टी है ये बता रहे हैं। वो बिल्कुल बॉटम में वो नीचे वो सुरलासपुर है, और वो ये हम इतना एल्टीट्यूड गेन कर रहे हैं चंद मिनट्स के अंदर, को 10-15 मिनट के अंदर वो बिल्कुल नीचे देखें आप। वाह जबरदस्त जनाब, ओ सामने शंदूर लेक है। बिल्कुल सामने बिल्कुल शंदूर लेक पे हम आ गए, ओ बड़ा खूबसूरत व्यू है इधर का। ये बिल्कुल साइड पे हम शंदूर लेक के साथ साथ चल रहे हैं, और इसका बड़ा कुछ डार्क टाइप ब्लाइंड टाइप व्यू है। हाँ जी वो ब्ला वो ब्राउन है, डार्क ब्राउन है, और साया भी है इसके ऊपर कुछ यानी बादलों का, तो बड़ी ब्लाइंड टाइप यानी कि लुक दे रही है, और जो अपने अंदर एक खूबसूरती रखती है। खैर पोलो ग्राउंड उस तरफ है, अभी ये लेक क्रॉस करके हम उस तरफ जाएंगे। ऐसी बड़ी लेक है शंदूर लेक भी, ये काफ़ी देर से हम इसके साथ चल रहे हैं। तो नाज़रीन ये मेरे सामने है दुनिया के छत पे जिसको कहा जाता है कि पोलो ग्राउंड, शंदूर पोलो ग्राउंड, दुनिया की सबसे ऊंची पोलो ग्राउंड है ये। और जो एनवायरनमेंट है इस टाइम मैजेस्टिक है, जो वेदर में चिल है, चिलनेस है, और जो पहाड़ों ने और बादलों ने साया किया हुआ है एक पूरे अपना टॉप के ऊपर, कमाल है जगह ज़बरदस्त। और ये सारे दोस्त इन्जॉय कर रहे हैं, अभी बस ये इधर से आगे कंटिन्यू करते हैं अपने सफ़र को। सुभान अल्लाह, मेडोज़, ग्रीन मेडोज़ और उसमें ग्रेजिंग करते हुए जानवर, सुभान अल्लाह, और साथ बहता हुआ पानी, सुभान अल्लाह। वाह, आई थिंक गिज़र डिस्ट्रिक्ट जो है वो स्टार्ट होगी इधर से।
बाकी आगे कोई गांव वगैरह आता है तो उधर से सही कंफर्मेशन हमें मिलेगी। ये जो अभी हमने ब्रिज क्रॉस किया था, जो कि मैं बता रहा था कि ज़िला गिजर जो है स्टार्ट हो गया, तो बरसत इस जगह का नाम है। तो इधर एक बड़ा मशहूर चश्मा है, सेवन अप चश्मा उसे कहते हैं। खैर हम वो देखने के लिए वापस जा रहे हैं। तो टेस्ट जो है ना, वो टेस्ट लाइक सेवन अप, पानी का टेस्ट ऐसे जैसे सेवन अप होती, तो उसका नाम ही सेवन अप चश्मा रख दिया हुआ। खैर ये हम वापस यू टर्न आए, वापस ये पुल से ट्रैक जाता साथ, तो उधर हम जा रहे हैं अभी। वो सामने ट्रैक जा रहा, इस पोल से हमने अभी क्रॉस किया था चंद मिनट पहले, और ये ट्रैक है। ले जी ये मेरे ख्याल में एंड ऑफ द ट्रैक है यार, आगे वो ट्रैक जाने वाला नहीं है जिधर ये जा रहा, इधर ही बाइक खड़ी कर देते हैं। राम राम, ना जाओ आगे, ऐसा थोड़ी आगे कर, हम बाइक साइड पे बाइक लगाएं कहीं, इधर ही साइड पे इधर लगा लेते हैं बाइक। ये देख इधर देख, खड़ी होती तो इधर लगा लेते, तू आगे कर ले उधर, मैं इधर लगा लेता। वो मेरे ख्याल में वो जो लड़का बंदा आ रहा है ना, वो चश्मे वाली साइड से आ रहा ऐसे लग रहा है। हाँ ये जिधर ट्रैक एंड हुआ है उधर से थोड़ा सा पैदल ट्रैक है आगे, यानी मोटर बाइक का ट्रैक जिधर एंड हुआ है, वो सामने जो पत्थर नज़र आ रहे हैं उसके साथ ही है चश्मा। और ये है जी चश्मा, ये तैयब और जामरान पहुंच चुके हैं और ये कुछ लोकल्स भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये जी सेवन अप चश्मा। हाँ जी टेस्ट किया पानी? जी बिल्कुल, सेवन अप, सेवन अप है। सेवन अप है पूरी। चलो मैं भी टेस्ट करता हूँ। एक सांस में पिएगा, एक सांस में नहीं पिएगा, एक सांस में पिएगा। ये कोई केमिस्ट्री है? हाँ जी, जो भी दोस्त यहाँ पे अगर आने का एक्सपीरियंस करे तो वाकई ये सेवन अप है, यकीन जाने। और बिल्कुल टेस्ट जो है सेवन अप की तरह है, और बल्कि उससे भी बेहतर है। वाकई लिटरली सेवन अप है। ये चश्मा है जी, ये नीचे आपको बबल आते नजर आ रहे। एक और ग्लास बना दिया, बल्कि मेरा तीसरा ग्लास है। और ये नेचुरल सेवन अप है, और ये लोकल्स बता रहे हैं कि ये सेहत के लिए बड़ा अच्छा होता है। खैर पानी हम पी रहे हैं। चश्मे से वापस बाइक के पास आ गए, और पानी का क्या कमाल का साउंड है, ये ऐसा फोटो बना रहा है। वो मेरी बाइक रही। ये हम समोसे ले गए थे जी मस्तूज से, ये और खा के रहे हैं हम, ये देखें वाह, सेवन अप चश्मे से थोड़ा सा आगे एक खूबसूरत मुकाम पे। सेवन अप चश्मे से अभी मूवी करने लगे थे तो रामरान की बाइक पंक्चर हो गई है, और अभी टायर को पंक्चर लगाने लगे हैं, और फिर उसके बाद मूव करेंगे। रामरान की बाइक को पंक्चर लगा दिया और उसको निकाल दिया आगे। ये एहसन बस मेरे पीछे है, बस मैं आपके आगे। ऊपर से आ रहे हो आप? ओके हो गया। ये जनाब वाह, ले जी ले जनाब, वापस स्कूल पे पहुंच गए हम, मेन रोड पे जो गिलगित चित्राल रोड है। तो अगर आप सेवन अप चश्मा आ जाते हैं तो ये जहन में रखेंगे ये पुल है, तो शंदूर वाली चित्राल वाली साइड से आ रहे हैं, तो शंदूर क्रॉस करने के बाद बरसत से पहले पुल से आपने इधर तो ना बोर्ड नजर आ जाएगा, उधर पुल से पहले आप स्वाती ट्रैक जा रहे हैं। और अगर आप गिलगित वाली साइड से आ रहे हैं तो फिर बरसत पुलिस की जो चेक पोस्ट है वो क्रॉस करने के बाद पुल आएगा, उससे आपने राइट हो जाना है पुल क्रॉस करने के बाद। बरसत हमने क्रॉस कर लिया था कुछ देर पहले, और अभी हम फंडर से तकरीबन को 20 किलोमीटर के फासले में, और ये वैलीस हमने नेक्स्ट टाइम के लिए एक्सप्लोर करने के लिए छोड़नी है, क्योंकि इधर एक दो दिन काफ़ी नहीं है इधर के लिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आएंगे, एक टूर प्लान करेंगे, तो इस पर भी एक पूरी सीरीज़ बनाएंगे इंशाल्लाह।
वाह यार सुभान अल्लाह। हाँ इसके साथ मिल रहा है ये वाला नाला इधर से आ रहा है, मैं गिर रहा आगे। हसन भाई अपने राइट साइड पे देखें यार कमाल व्यू है, ये मुझे तो लग रहा है ये अगेसर ही है, सारा अगेसर का ही इलाका अगेसर वैली है ये। अगेसर में डिस्ट्रिक्ट है? हाँ अगेसर डिस्ट्रिक्ट है, पर जियोग्राफी हमारी इतनी अच्छी नहीं है असल में यार, नेचर लवर है। वाह सुभान अल्लाह। ये जी हम इस टाइम एक गीज़र डिस्ट्रिक्ट में ही टैरू है एक विलेज टाउन है, एक उधर से क्रॉस कर रहे हैं, खूबसूरत टाउन कमाल। ये जनाब साइड पे आप खूबसूरती देखें सारी, ये दरख्तों के दरमियान आपको नज़र आ रही होगी, कमाल की जगह है। और जब भी जो आप यानी कि जो आपने व्यूज़ देखे वो इसी गांव के थे, कमाल हंदराब गांव है ये, हंदराब बरसत और फंडर के दरमियान में ये जगह वाक़ है, और बहुत खूबसूरत जगह है ये भी, खूबसूरत तरीन जगह है ये, फंडर के करीब है हम, और कमाल की ब्यूटी है, एब्सोल्युटली अमेजिंग। ओ यार साइड पे हसन चेक कर यार, सुभान अल्लाह चश्मा दे रहे हैं, दामन जा गया अभी दामन। हां आधी फुल भी है, की स्पीड है हसन इसका? 60 ओन 60-70 जाती है, 60 सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जनाब फंडर की क्या बात है, फंडर की क्या बात है? आवाज भाई मेरे दिल में फंडर को देख कर बस एक ही बात आ रही है, पहले क्यों नहीं आई? बस मेरे एग्जैक्टली मैंने अभी चंद मिनट पहले भी आपको यही कहा, बस हम आपस में यही डिस्कस कर रहे हैं, तब से यही चल रहा है यार पहले क्यों नहीं है? जो पानी का कलर है और जो एटमॉस्फेयर है और जो ज्योग्राफी लेवल है, हां कमाल। ये आपको इर्द गिर्द हासे फंडर रोड के ऊपर ना, फंडर टाउन जब आप शंदूर वाली साइड से क्रॉस करें तो आपको गेस्ट हाउस रेस्ट हाउस कैंपिंग साइट काफ़ी मिलते हैं आपको, और बड़ी ज़बरदस्त लोकेशंस हैं, और दरख्तों के दरमियान फील्ड्स और पीछे ब्लू पानी कमाल है, अल्लाह पाक की कुदरत है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जनाब चेंज ऑफ प्लान ये कि हमने यानी कि अभी मगरिब का टाइम है तो हमने आगे जाने का जो गिलगित जाने का था वो प्रोग्राम तर्क कर दिए, क्योंकि हमें इस इलाके की ब्यूटी ने फैसिनेट इतना किया कि जाने को आगे दिल ही नहीं किया। तो खैर अभी हम आज फंडर में स्टे करेंगे, तो इंशाल्लाह नाइट फंडर में स्पेंड करेंगे, सुबह फंडर के खूबसूरत नज़ारे देखते हुए आगे गिरगिट की जानब और फिर आगे की जानब सफ़र इंशाल्लाह अपना जारी रखेंगे। वाह लो लाइट कंडीशन हैं, जो मेरी आंख देख रही है शायद वो कैमरा भी उस लेवल का रिकॉर्ड कर रहा हो शायद, लेकिन कमाल की ब्यूटी है इस वैली की। तो अब थोड़ा सा आगे थे फंडर से, अभी वापस जा रहे हैं फंडर की जानब, तो फंडर मेन टाउन में जा के कहीं अच्छी किसी स्पॉट पर जा कर स्टे करते हैं। ये रहा जी हमारा फंडर वैली में रूम, अलमदीना गेस्ट हाउस है इसका नाम, और बड़ा ज़बरदस्त साफ़ सुथरे रूम है, साफ़ सुथरा वाशरूम है, और खुला डुला कुछ आता है महमदी बिस्तरे हैं जी इधर, और बड़ा ज़बरदस्त कारपेट सेंटर में बिछाया हुआ है उन्होंने। ये रहा जनाब हमारा डिनर,
और वो आवाज़ के लिए माजरत, ये इन्होंने साथ ही जनरेटर रखा हुआ है इसलिए। और डिनर में जी आज हम खा रहे हैं फंडर की स्पेशल ट्राउट फिश और ये दाल माश है साथ। और अब एक्सन का इंतज़ार है, एक्सन आता है तो अपना डिनर स्टार्ट करते हैं।